प्रिय छात्रों, आज हम जॉन मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस कविता के सेकेंड स्टेंजा का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। डूथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डूथ नॉट नीड इधर मैंस वर्क आर हिज ओन गिफ्ट्स हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ये कहना चाहता है कि किस प्रकार ईश्वर ऐसे लोगों से भी जो लाइट डिनाइड हैं, जिनके नेत्रों की रोशनी जा चुकी है, जो अंधे हैं, जो देख नहीं सकते, क्या उनसे भी काम की आशा रखता है, श्रम की आशा रखता है। डे लेबर यानी दिन में किया गया श्रम अर्थात किया गया काम। तो ईश्वर क्या जो अंधेपन के शिकार हैं उनसे भी अपने उनके इस गिफ्ट जो उनके द्वारा जो उपहार दिए गए हैं क्या उनकी अपेक्षा उनसे करता है कि वो उसके बदले में श्रम करें। आई फॉन्डली आस्क मैं बहुत नरमी से बहुत प्यार से मैं पूछना चाहता हूँ। बट पेशेंस टू प्रिवेंट लेकिन मेरा धैर्य मुझे रोकता है। और दैट मर्मर और वह बहुत बुदबुदाने के अंदाज में फुसफुसाने के अंदाज में बहुत धीमी आवाज़ में सून रिप्लाइज शीघ्र ही उसका पेशेंस उत्तर देता है। गॉड डूथ नॉट नीड ईदर मैंस वर्क आर हिज ओन गिफ्ट कि ईश्वर को किसी के द्वारा किए गए कार्य अथवा उसके स्वयं के दिए गए उपहारों के बदले में ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए होता है। कि ईश्वर किसी को जो उसे मनुष्य होने का एक तरह से उपहार स्वरूप प्रदान करता है कि जो भी मानव कुल में जन्म ले और वह उसके बदले में उसे कुछ दे। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक माइल्ड माने बहुत हल्के ढंग से योक यानी जो खेतों में जोते जाने वाले बैलों के कंधे पर रखा जाने वाला जुआ अर्थात जो बहुत हल्के ढंग से अर्थात कठिन परिश्रम जो अपने कंधे पर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत बखूबी सहन करते हैं अर्थात सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर ले लेते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट वही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा कर पाते हैं। अब इसमें हमने अभी अभी इसके हिंदी अर्थ का अध्ययन किया और अब हम इसके अंग्रेजी व्याख्या पर जाएंगे। द पोएट्स माइंड इज फिल्ड विद द डार्क शैडोज ऑफ डाउट्स अबाउट द इनजस्टिस ऑफ गॉड। गॉड इज नॉट जस्ट टू हिम बिकॉज ही हैज रॉब्ड हिम ऑफ हिज आई साइट ही कैनॉट एक्सपेक्ट एनी सर्विस फ्रॉम हिम बट हिज इनर सेल्फ वॉशेज अवे एवरी डाउट ही रियलाइजेज दैट गॉड इज ऑल पावरफुल ही डजंट नीड द सर्विस ऑफ मैन ही डजंट इवन लाइक टू टेक बैक द गिफ्ट्स विच ही हैज गिवन टू मैन दोज हु हैप्पीली बियर द मिसफॉर्चून्स ऑफ लाइफ सर्व हिम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। थैंक यू।